गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ओके। सो लास्ट टाइम आई रिमेम्बर वी हैड डन दिस प्रॉब्लम, ये वाला कर रहे थे ना हम लोग। आई जस्ट ब्रीफली, हैव आई डिक्टेटेड दिस प्रॉब्लम और नो? यस सर, यू डिक्टेटेड। मैंने डिक्टेट कर दिया था ना प्रॉब्लम पूरा? हाँ सर। अच्छा, तो कैन यू डिक्टेट वंस अगेन? ओके, लिखो। अ जेट प्लेन with a total load of 50,000 kilo, with a total load of 50,000 kilo, total load of 50,000 kilo requires of 1500 meter, requires a 1500 meter runway to attain a takeoff speed of 50 meter per second. To take off speed of 50 meter, 50 meter per second. Assuming constant acceleration, calculate. Number one, time of takeoff. Number two, acceleration of the plane. Number three, force नहीं है, बल्कि वहाँ पे thrust of the engine, THRUST, thrust. Thrust यानि force होता है, thrust. Thrust of the engine, then ये क्या है? Anybody can tell me ये J क्या है? J? Anyone? Sir, impulse. Impulse. That is right. That's very good. Number D, impulse. और E क्या है? P N? Momentum. Momentum. That's right. Momentum at takeoff. Momentum at Take off. मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, फिर आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक जेट प्लेन था, एक एरोप्लेन होते हैं ना, देखो एक सपोज जबरदस्त एरोप्लेन है, राइट, बड़ा वाला जेट इंजन वाला प्लेन, इसकी टोटल वेट सब अंदर लोग वो सब मिला के टायर वायर सब मिला के 50,000 किलो इसके अंदर इनिशियल ये थ्रस्ट। उसको पता है, आपने देखा होगा पहले उसको दौड़ना पड़ता है, खूब दूर दूर तक दौड़ता चले जाता और फिर वो टेक ऑफ लेता। तो उसने यहाँ पे क्या बताया, 1500 मीटर उसने दौड़ लगाई पहले बिफोर टेक ऑफ, 1500 मीटर, और फिर झुक करके ऊपर गया विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। और ये उसकी हालत है, इसकी प्लेन की। बोलो मुझे कितना वोल्ट लगा उसको, कितना एक्सेलरेशन था, क्या थ्रस्ट था इंजन का, कितना थ्रस्ट यानी फोर्स, कितना इम्पल्स था, कितना मोमेंटम था। इज द प्रॉब्लम क्लियर? मुझे प्रॉब्लम समझाएगा कौन मालूम है? ओम मिस्त्री, ओम मुझे प्रॉब्लम बता। ओम भाग जाएगा अभी, ओम भाग जाएगा, पहले ग्रुप छोड़ के भागेगा। ओम ओम जी, तू प्रॉब्लम बताओ।
सर एक जेट प्लेन है जिसका सर टोटल वेट 50,000 केजी और सर उसको टेक ऑफ करने के लिए सबसे पहले 1500 मीटर का सर रनवे चाहिए और सर फिर वो 50 मीटर पर सेकंड से सर वो टेक ऑफ करेगा। तो सर हमें उसका टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और सर जो जो थ्रस्ट या सर फोर्स है वो टेक ऑफ किया वो सर फाइंड करना है, इम्पल्स और मोमेंटम सर फाइंड करना है। दैट इज राइट, लवली। अब हम करें तो क्या करें, कैसे करें इसको? यहाँ पे u इक्वल टू जीरो हमको पता है, u इक्वल टू जीरो क्योंकि स्टार्टिंग में और एस पे था, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, कैसे करें? कैसे करें इस प्रॉब्लम को? एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड t? एनीवन ऑफ यू, ये टाइम कैसे निकालूं? सो एस इक्वल v minus u upon 2 into t. S equal to, कौन सा formula है ये? मैंने तो देखा नहीं ये formula कभी भी। Yes sir, distance formula. क्या क्या बोल जा distance formula? So v minus to u plus v divide by 2 into t. हाँ, that is right. This is उसने v minus u बोला। तो you know, kinematical equation ये मैंने लिया था S equal to u plus v upon 2 into t. All right. S कितना है? 1500. U कितना है? 0. V कितना है? 50. Upon 2 into t. Therefore, 1500 equal to 25t. So, t equal to 25 chakka, so 60 second. 60 second. Yani, 1 minute mein pat karke प्लेन उड़ना चालू कर देता है। ये रहा एक मिनट की कहानी। आई होप इट्स क्लियर। व्हाट अबाउट बी? हाउ डू फाइंड एक्सेलरेशन? सो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी सही है, नॉट बैड। S equal to, क्या बोले जरा वापस बोलो, S equal to? So V is equals to, बोलो बोलो क्या बोले थे, राइट था, एक बार वापस बोलो प्लीज। S is equals to UT plus half AT square. ये भी चलता है लेकिन ये कैसा है, ये कैसा है ये? Yes sir. What do you think about this formula? V कितना है? 50. U कितना है? 0. समय कितना है? 60. So that is equal to 5/6 meter per second square. And that is nothing but equal to 0.8333. वो आंसर राइट है ना? वो गलत नहीं था आंसर बेटा। जीतू? ओके सर। हाँ। ये ओम है कि नहीं? ओम, जस्ट से यस। ओम ओम यस सर। अरे किधर गायब हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछे तो चुप हो जाते एकदम। आई डोंट लाइक दिस। थ्रस्ट, एनीबॉडी कैन टेल मी थ्रस्ट का फॉर्मूला? एफ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। वेरी गुड भागेश। एम इज 50,000। मैंने 50,000 लिखने का तरीका कोई बताएगा मेरे को? इधर देखो जरा मैथमेटिक्स, बाद में बहुत करेंगे हम लोग, इसे अभी से सिखा रहा हूँ। इक्वल टू 50 इंटू क्या करूँ? 50 इंटू 10 रेस टू कितना करूँ? 10 रेस टू 3। दैट इज राइट। और वी कैन राइट दिस इज 5 इंटू 10 रेस टू 4। ये कॉन्सेप्ट पूरा दिल में रखो, ये मैं बहुत यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे जीरो लिखना पसंद नहीं है। तो मैं लिख ले हूँ 5 इंटू 10 रेस टू 4 और एक्सेलरेशन कितना है? 4.166 into 10 to 4 newton. D. What about impulse? फॉर्मूला इंपल्स का बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट? अगर फोर्स पता है तो
इंपल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स पता है तो? सो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, दैट्स राइट। मैं क्या करता हूं, फोर्स इनटू टाइम, मैं जरा है ना इस पे थोड़ा दिमाग लगाता हूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फोर्स के बदले एम ए इंटू टी, एम कितना है 5 इंटू 10 टू 4, एक्सेलरेशन कितना है 5/6, आई राइट परपजली 5/6, और समय कितना है 60 सेकंड। नाउ यू विल आस्क मी कि सर ऐसा क्यों किया आपने, बताओ क्यों किया, एनीबॉडी कैन टेल मी मैंने क्यों किया ऐसा? सो वी कैन कैंसिल आउट 60, गेट्स कैंसिल, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250। That is 2.5 into क्या लिखूं? चलो मैथमेटिक्स बताओ, 2.5 into 10^5 10^6 सही आंसर बताओ अभी, 10^5 और 10^5 10^6 अभी दो आंसर आ गए, और 10^4 वाला है कोई? Afif, what do you think? Afif? Sir, 10^6 10^6 okay. Maaz? Maaz? Jitu? Hussain? Hussain, tum bolo kuch. Sir, I told 10^6 Aray, yaar, 250 jo hota hai na, wo 2.5 into 100 hota hai. तो 100 × 10^2 होता है, 250 is 2.5 into 10^2, तो 2.10^2 into 10^4 is 10^6. And what about impulse का unit? Can I say this Newton? Impulse का unit Newton बोल सकता हूँ? No sir, it's Newton second. That's right, Jidu, I appreciate. That's it's so sad. Jidu, no, we'll wonderful say. Boy. Wonderful boy, Jidu. All right, and E में चाहिए हमको. P का फॉर्मूला क्या करूं बताओ? P का फॉर्मूला इज एम वी 50 × 10^3 × V भी कितना 50, पहले स्टेप में ही निकाल सकते थे हम लोग। हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? एनीबडी कैन टेल मी यूनिट ऑफ मोमेंटम? What is unit of momentum? Unit of momentum. Sir, kg meter. Kg into meter. Okay. Or koi answer? Or koi answer? Hussain? Hussain Dagina? Yes, sir. What is the unit of momentum? Kg into meter. Kg meter. Okay. Prisha? रिशा तो नहीं बोलती, ओम ओम। अरे यार तुम लोग कितने सर, केजी इनटू मीटर पर सेकंड, दैट्स राइट। अरे मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, हाउ कैन यू स्टॉप एट केजी मीटर? अफीफ, अफीफ एंड हुसैन, आई डोंट लाइक दिस। और यू नो इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, कैन यू सी द आंसर इज सेम? Impulse is nothing but change in momentum. So both are, if you see, answer value is same, exactly same value. That is the Newton second, is the kg meter per second. Because remember, impulse is nothing but equal to change in momentum. याद है आपको कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. Impulse. हाँ, okay. एक बार ruler मारने की जरूरत है कि it is clear? एक बार ruler मार दूँ तो make it more clear कि जरूरत नहीं है? हाँ. No clear. Sir. क्या ओके यस और नो? एक दिन बोले यार सो क्लियर क्लियर ओके। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अगला प्रॉब्लम है ना, मैंने देखा है JEE CET नीट सब में ही आता है। तो आप जरा लिखो, अ जेट ऑफ वाटर issuing horizontally, issuing मैं giving यार, issuing लिखा, लेकिन चलेगा, issuing लिखो, I double S U I N G,
issuing horizontally out of an orifice, out of an orifice of area 10 square centimeter with a velocity of 10 square centimeter with a velocity of 20 centimeter per second. An orifice 10 square centimeter in area with a velocity of 20 centimeter per second strikes a vertical wall, strikes a vertical wall full stop. What is the force exerted by the jet on the wall? What is the force exerted by the jet on the wall? What is the force exerted by the jet on the wall? Given density of water, anybody knows the value of density of water? A standard value. Can you repeat the question from what is the force exerted? By the jet on the wall. Density of water, kisi ko pata hai? Anybody knows? Density sir, 997 kg per meter cube. That is right. But ye log ne 1000 diya. That's a good answer. Kg per meter cube is the unit. But you should know. You should know. Mark it. Very important problem. Well, test hai aapka bhulna nahi. Kuch bhi puchhenge hum log. Keep preparing all the subject properly. We'll ask anything from anywhere. Whatever being taught to you. Okay. Ab dekho yahan pe situation dekho. Aapne dekha hoga na jet pani ka ek vertical wall hai. यहाँ पे पानी का एक जेट है, इसमें से पानी जोरदार आ रहा है और इट इज हिटिंग द वॉल, इट इज हिटिंग दिस वर्टिकल वॉल. मतलब इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो वेलोसिटी बाहर आ रही है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ऑलराइट, तो इसके ऊपर डेफिनेटली वॉल के ऊपर धक्का लग रहा होगा, बेचारी तकलीफ में आ रही होगी. वॉल को धम 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 पानी मारेंगे तो फोर्स होगा ना. तो वो लोग बोलते कितना फोर्स डाल रहा है, कितना फोर्स जेट डाल रहा है वॉल के ऊपर. अच्छा, मुझे प्रॉब्लम बताएगा हुसैन. प्रॉब्लम बता. यस सर, इट इज अ जेट ऑफ वाटर इशूइंग हॉरिजॉन्टली एट एन वॉल, वर्टिकल वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द एरिया ऑफ द वाटर जेट इज ऑरिफाइस इज 10 centimeter square. So we have to find the force created by the That is right. Aise problem bahut commonly aate hain, bahut commonly aate hain problem. Ye dhyan rakhna. Okay. Now tell me one thing. Bahut acha answer hai. Hussain, you gave a good answer. Dekho situation kya matlab hai, force pucha hai na. So force ka formula hai, ek hi standard formula. What is force ka standard formula? F equal to? M into A. M into A. Lovely. मुझे ये ना डेंसिटी दिखाई देती है, मुझे डेंसिटी अंदर लाना है, करूं तो मैं क्या करूं? कोई मुझे बताएगा डेंसिटी का कोई फॉर्मूला आपको पता है? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी सपोज रो से डिनोट किया मैंने, तो डेंसिटी का फॉर्मूला इज व्हाट अपॉन व्हाट? डेंसिटी इज व्हाट अपॉन व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वेलोसिटी और वॉल्यूम. सर वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट्स राइट. ये बड़ा भी लिखना, ये छोटा भी इज वेलोसिटी, बड़ा भी इज वॉल्यूम. देखो मास क्या होगा. वेरी गुड आंसर अफीफ सैयद. मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इधर मास के बदले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास के बदले लिखा हमने. और एक्सेलरेशन के बदले v माइनस u अपॉन t. इधर तक कोई शक किसी को? किसी को छोटा मोटा शक है क्या? छोटा मोटा शक है क्या? ये बड़ा भी वॉल्यूम है, छोटा भी वेलोसिटी है, भूलना नहीं, भूलना नहीं. एंड टेल मी, वॉल्यूम का रिलेशन एरिया के साथ कुछ है? वॉल्यूम का चक्कर एरिया के साथ है?
एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम इज व्हाट अल्टीमेटली. देखो ये अगर पाइप है, ये अगर इसका एरिया ए है, तो सपोज लेंथ एल है, तो दिस एरिया इंटू लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल गिव मी वॉल्यूम. तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ वी माइनस जीरो अपॉन टी. बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी जीरो ना, वो जेट से बाहर आता है तो इट इज एट जीरो वेलोसिटी बाहर आते वक्त, और फिर धम करके बाहर वेलोसिटी से बाहर निकलता है. Am I going very fast? Am I going very fast? Please tell me. कभी भी ऐसा लगे ना कि सर आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, तो I'll reduce my speed. And one more thing. Any moment of time, bindas question पूछो. Bindas पूछो. Don't think about what others may think about you. Alright. बिल्कुल सोचने का नहीं कि लोग क्या बोलते हैं उसको बताओ. लोग क्या कहेंगे वो सोचने का ही नहीं. व्हाट अबाउट एल अपॉन टी? व्हाट इज एल अपॉन टी? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड. स्पीड, दैट्स राइट. रो इनटू ए इनटू वी इनटू वी, सो दिस विल बिकम रो ए वी स्क्वायर. बस ये अपनी वैल्यू सब रो हमको मालूम है, एरिया हमको मालूम है, वी स्क्वायर हमको मालूम है. तो सपोज रो कितना है 1000, एरिया कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर. विल आई गेट द आंसर और नो? विल आई गेट द आंसर और नो? यस और नो? यस सर. दैट्स नो. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. और कोई बताएगा वेलोसिटी एंड स्पीड टुगेदर? क्या बोला जीतू? यू आर राइट. जरा जोर से बोलो ना, क्लियर एकदम जोर से चिल्ला के बोलो. सर यू स्पीड एंड वेलोसिटी टुगेदर, इट कांट बी अ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. क्या सर? स्पीड इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी, बोथ आर सेम. अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू लेनी है. नो नो नो, वैल्यू लेनी है. दैट्स राइट. दैट इज नॉट द राइट आंसर. कुछ और सोच रहा हूँ मैं. दिस इज रॉन्ग. There is velocity in 20 centimeter per second, so that's why. So what? So kya hua? So what should we wrong? Have to convert into that's because answer, meter that's per second? अरे भाई ये kg per meter cube में है, ये centimeter में है, ये कैसे चलेगा? Can you add 1 meter plus 2 centimeter as 3 meter? मुझे एक बात बताओ. 1 meter plus 2 centimeter add कर सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हो कि 12 क्या लिखोगे? या 102 क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ऐड ही नहीं कर सकते हो. या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में. इसको 100 प्लस 2 करोगे तो आंसर आएगा 102 सेंटीमीटर. यू कैन नॉट ऐड टू डिफरेंट यूनिट, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई टू डिफरेंट यूनिट्स. ओके, तो यहाँ पे अच्छा मुझे बताओ ये एक बार फिर से. 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? बहुत बार पूछा है, बहुत बार. ओम, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? ओम 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 कम से कम जवाब तो देता है, लेकिन क्या मालूम किधर गया वो. माज, 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर? 10^2 बॉय में आंसर देना है. 10^2 सर. 3 × 10^2 6. अरे 1 सेंटीमीटर बोलना खाली. 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर? भार्गेश, 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर? सर 10^-2. दैट्स राइट. ये याद करो तुम लोग, नहीं तो 500 बार लिखाऊंगा. ये ध्यान रखना, अगर अब की बार कोई चीज आगे से आंसर नहीं दिया 1 सेंटीमीटर 10^-2 में, 500 टाइम्स यू हैव टू राइट. टेल मी व्हाट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? कितना मीटर? मैथमेटिक्स है अभी, अभी मैथ से फिजिक्स नहीं है. So 10^-4. That's right. So बस यहाँ पे हमको convert करना है. 10 centimeter square is 10 × 10^-4. That is 10^-3 meter square. And 20 centimeter per second is 20 × 10^-2 meter per second. ये reason है. ये लिखना है तो मैं लिख के रखूँ top पे. I don't like ये. मेरे को अगली बार मेरे को answer चाहिए. ध्यान रखना. तो ये रॉन्ग है यहाँ पे. तो एरिया के बदले क्या लिखना होगा? 10^-3.
और v स्क्वायर के बाद लिखा लिखना होगा 20 × 10⁻²। ये दोनों कैंसिल हो जाते, 1000 × 10⁻³, बिकॉज़ 10⁻³ इज 1/1000, 20 का स्क्वायर इज 400, 10⁻²² का स्क्वायर इज 10⁻⁴, दैट विल बी 4 × 10⁻², दैट इज 0.04, व्हाट यूनिट, 0.04 यूनिट क्या लिखूं, 0.04 की यूनिट क्या लिखूं, न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो दैट्स अ गुड आंसर, मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, डोंट लर्न बाय हार्ट, सीटी में डायरेक्टली लिखना, मतलब कोई लिखेगा नहीं आपका कैलकुलेशन, बट हाउ टू गेट दिस यू शुड नो, फोर्स इज रो ए इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, कभी कभी रेडियस ऑफ ऑरिफाइस देते हैं तो एरिया के बजाय पाई आर स्क्वायर लिखना होगा, एक बार रिपीट करूं क्या, रूलर मारूं, एक बार रूलर मारूं, ओके देखो, हमको एरिया दिया था, वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट यानी जेट का दिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया था, फोर्स पूछा था, फोर्स इज एम ए, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन डी, volume is nothing but area into length, so volume ke badle area into length likha, u is zero, so rho into a into l to v upon, ye t ko main chupke se yahan le aaya, but l aur t ko aapas mein milan karaya, so what is l upon t is again velocity, so this is rho av square, rho ki value, a ki value convert, maine kya samajh mein aaya ki ek bar aur batao kaise convert kiya hai, conversion samajh mein aaya kya, ye yahan pe yahan lagaya, ye yahan pe yahan lagaya, तो 1000 × 10⁻³ तो तुरंत कैंसिल हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, 400 मींस 4 × 10⁻², तो 4 × 10⁻² × 10⁻⁴ इज 4 × 10⁻², 0.04 न्यूटन, यहां पे भी छोड़ोगे तो चलेगा, 4 × 10⁻² न्यूटन लिख देना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर चार ऑप्शन होगा एबीसीडी तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक मेरी बात समझ में आ ली कि, एक बार और रिपीट करूं, एक बार और रिपीट करूं कि समझ गए हो? सर अंडरस्टूड, नो सर समझ गए, ओके, इसके बाद अगला प्रॉब्लम लिखिए आप लोग, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना यार, ये मैं बहुत भूल जाता हूँ, 1 km/h इसका कोई कन्वर्जन दिया था क्या मैंने कभी पहले, सर 5/18 दैट्स राइट, चलो अगला प्रॉब्लम लिखा जाए, लिखो अगला प्रॉब्लम, लिखो you can write a car moving with a velocity of 25.2 km/h, kilometer per hour is brought to rest by the application of brakes in a distance of 10 meters show that resistance of motion of the car equal to 1 upon 4 times weight of the car. एक्चुअली दिखने में प्रॉब्लम बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये,
लेकिन लेट मी टेल यू डिफिकल्ट जरा भी नहीं है डिफिकल्ट, ये जरा भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं प्रॉब्लम बता देता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम है कुछ कुछ ऐसा, एक गड्डी थी 25.2 किलोमीटर पर आवर से चलती जा रही थी, मस्त स्पीड ऑफ 25.2 किलोमीटर पर आवर। सामने यहाँ पे उससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन दिखाई देता है, उसको ब्रेक लगाना पड़ता, ब्रेक करते हुए ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, फाइनली स्टॉप हो जाती है। लेकिन उसको कितना डिस्टेंस 10 मीटर में, वो हट ही नहीं रहता, गाड़ी के सामने आ गया था और उसने ब्रेक मार के जैसे जैसे उसको बचाया, बोल रहे। तो वो लोग बोलते हैं कि शो दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मोशन ऑफ द कार इज नथिंग बट 1/4 वेट ऑफ द कार। Is it the retardation is 1/4 times the weight of car? That is what I'll explain. पहले तो मुझे बताओ, एक बात बताओ ना, if m is mass of car, what is the weight? Weight क्या होगा? Weight कह रहे हैं is also m. Remember, weight is a force and mass and force are different quantity. Anyone who can tell me the answer? Sir, mass into gravity. That is right. Weight is nothing but mg. अच्छा यहाँ पे जो resistance of the motion of car है, tell me resistance is what? Resistance is acceleration, velocity, density. क्या है resistance? Acceleration. Bad. Sir, retardation. Bad. Resistance. You know, action, reaction, resistance. All these are what? Oh, electricity वाला resistance नहीं है. All these are what? Resistance offered by a surface. Is क्या? Acceleration offered by the surface. क्या है? अरे फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन क्या होता है? चलो ये बताओ, व्हाट इज फ्रिक्शन? सो अपोजिंग फोर्स. हाँ, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट फोर्स, और वी कैन से अपोजिंग फोर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस अल्टीमेटली अपोज कर रहा है ना मोशन को, अपोजिंग फोर्स. ऑलराइट, एनीबॉडी कैन टेल मी अपोजिंग फोर्स का फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? इन आवर केस इफ एम इज द मास, यू वेट और डिस्टेंस दिया है, तो व्हाट विल बी अपोजिशन? फॉर्मूला क्या लिखूं? फोर्स का फॉर्मूला यार, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला. अरे व्हाट इज द फॉर्मूला मां? अरे ये रिटार्डेशन होगा ना, एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स देयरफॉर अपोजिशन फोर्स होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, तो दिस इज रिटार्डेशन, तो दिस विल बी अपोजिंग फोर्स. अगर एक्सेलरेशन होता तो हेल्पिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स. ये ए इज नेगेटिव, ए कम हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है एक्चुअली, तो ये अपोजिंग फोर्स होगा. राइट, रेजिस्टेंस. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करूं, मुझे बताओगे? यू दिया है, वी दिया है, और हमको पूछा है फोर्स, क्या करूं? पहले बात बताओ, एनीवन क्या करूं बताओ? ये पहले तो किलोमीटर पर आवर चलेगा क्या? ये किलोमीटर रेट मीटर, विल दैट डू और नो? नो सर. क्या करूं फिर सर? 5/18, यू हैव टू मल्टीप्लाई 25/0.2 इनटू 5/18, और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्या आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड. हमको बेसिकली पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, खाली ए ढूंढना है, बस खाली ए ढूंढना है. तो टेल मी, एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ टू फाइंड ए? एक की फॉर्मूले में सीधा ए मिल जाए. एनीबॉडी, how to find acceleration? U V S D I.
एक्चुअली इट इज नॉट एक्सेलरेशन इट इज रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है. हाउ टू फाइंड सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. लवली आंसर भर्गेश यू आर माय फेवरेट नाउ. बहुत बढ़िया आंसर है बहुत बढ़िया है भर्गेश वेरी नाइस. तो v स्क्वायर इज 0 u स्क्वायर इज 49 प्लस 2as इज 10 मीटर तो a विल बी माइनस 49. ये माइनस साइन क्या बता रहा है भाई. ओ भाई माइनस साइन क्या बता रहा है. It's retardation. It is retardation. Therefore, force will be opposing force. All right. So, इसको 49 by 20 करेंगे तो आएगा. I think minus 2.45 आएगा. Therefore, opposing force, which is nothing but resistance. Resistance is M into upon 9.8 and that is equal to 1/4. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ प्रॉब्लम को. दिखने में कभी कभी प्रॉब्लम डिफिकल्ट रहता है बट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू विल फाइंड थिंग्स टू बी इजी. कॉलेज कब से खुल रही है भाई आफिफ. एनी कॉलेज रीओपनिंग डे. हाँ सर डोंट नो सर द स्पेशल राउंड्स आर गोइंग ऑन आई थिंक. अच्छा अभी तक स्पेशल राउंड चल रहे हैं. अच्छा कॉलेज सबका हो गया फाइनल. एवरी वन ऑफ यू यस सर. ओम तुमको कौन सा मिला. नो सर भवन. अरे ऐसे कैसे हो रहा है अभी तक. बीजेपी सी फटाफट प्रॉब्लम समझ लेते हैं. हमारे पास वक्त की कमी है. 2 मिनट बचे हैं. देखो प्रॉब्लम तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक कार थी सामने एक मानुष था तो कार को जबरदस्त 7 मीटर पर सेकंड से भाग रही थी. ब्रेक लगाया 10 मीटर में गाड़ी रुक गई. तो वो लोग बोलते हैं शो दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ वेट ऑफ द कार. तो पहले इफ एम ए द मास ऑफ द कार वेट इज एम ए रेजिस्टेंस इज अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट एम ए. ए नेगेटिव आएगा क्योंकि धीरे धीरे ये हो रहा है ना इसलिए फोर्स अपोजिंग होगा. तो एज पर भागेश वी फाउंड वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as वी जीरो यू दिया है एक आंसर आता है माइनस 2.45 माइनस से जस्टिफाइड रिटार्डेशन है. तो अपोजिंग फोर्स विल बी एम ए दैट इज एम इनटू 2.45 ओनली मैग्नीट्यूड लिया है माइनस नहीं लिया है एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस अपॉन वेट इज एम ए अपॉन एम जी. एम एम कैंसिल ए अपॉन जी 2.45 अपॉन 9.8 दैट इज 1/4 देयर यू आर. सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ वेट ऑफ द कार. आज भी शायद लिमिटेशन नहीं है ना 40 मिनट का. ऐसा लग रहा है आपको कि है बच्चों. अरे बच्चों और अच्छा एक और निकलो इन द मीन टाइम. मेरे ख्याल से समय नहीं हो पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं. अगर डिक्टेट कर दिया तो अच्छा है. 11:10 पे हम लोग बंद कर लेंगे. ओके इसके बाद लिखिए. ओके ऐसा लिखो अ बर्ड एक चिड़िया वेइंग 2 किलोग्राम. चलो बंद कर रहे हैं हम लोग क्योंकि टाइम समय होने समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. ओके हम लोग खुद ही घोषणा कर रहे हैं. ओके आई एम एंडिंग द मीटिंग बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन टुडे.
क्योंकि दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट करना है।